चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 27 अप्रैल का द वोकैब शो, जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्टूपिड एंड अनरीजनेबल। यानी कोई भी चीज़ जो कि स्टूपिड है, बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है, यानी उसमें कोई सेंस नहीं बनता, उसे हम कहते हैं एब्सर्ड। इस वर्ड को हम काफ़ी बार पहले भी कर चुके हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्ड अभी याद हो गया होगा। और ये वर्ड्स काफ़ी रिपीटिंग हैं, तो इसलिए मैंने इसे फिर से ले लिया और ये वर्ड आई हुई थी। ओके, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? लुडिक्रस या फार्सिकल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रीजनेबल या सेंसिबल। याद करने की ट्रिक देखिए, एग्जाम में एब्सेंट होने वाले लोग एब्सर्ड होते हैं। तो आप ये ट्रिक भी रिकॉल कर पा रहे होंगे कि एग्जाम में एब्सेंट होने वाले लोग एब्सर्ड होते हैं, यानी एग्जाम में एब्सेंट हो रहे हैं, ये तो कोई सेंस नहीं बना, ये तो स्टूपिड सी बात हो गई है ना। तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, ही ऑफन सेज एब्सर्ड थिंग। वो अक्सर हमेशा कैसी बातें करता है? एब्सर्ड बातें करता है, यानी कि अनरीजनेबल स्टूपिड सी बातें करते रहता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है लीनियंट। लीनियंट क्या होता है? ये वर्ब, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऑफ अ पर्टिकुलर पनिशमेंट और पर्सन इन अथॉरिटी मोर मर्सीफुल और टॉलरेंट देन एक्सपेक्टेड। यानी कोई पनिशमेंट है या कोई पर्सन है अथॉरिटी में, वो ज़्यादा मर्सीफुल हो रहे हैं या लीनियंट हो रहे हैं, टॉलरेंट हो रहे हैं, जितना उम्मीद किया गया था उससे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा दया दिखा रहे हैं या टॉलरेंट हो रहे हैं, जितना उम्मीद किया जाए उससे ज़्यादा, उसे हम कहते हैं लीनियंट होना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मर्सीफुल या ह्यूमेन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स यहाँ पे गलत हो गया है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सीवियर। ओके, याद करने की ट्रिक देखिए, रेंट ना देने वाले लोगों पे ओनर लीनियंट नहीं होते। यानी आपकी कोई प्रॉब्लम, मान लो आप कोई रूम में रहते हो, आपके रूम में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन आप रेंट नहीं देते हो, तो आपका ओनर जो है वो आपके प्रति लीनियंट नहीं होगा, यानी आपके प्रति मर्सीफुल नहीं होगा, है ना। तो इस ट्रिक से आपके वर्ड याद रहेगी कि रेंट ना देने वाले लोगों पे ओनर लीनियंट नहीं होते, यानी मर्सीफुल नहीं होते। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड्स को हम कैसे इस ट्रिक की मदद से याद रख सकते हैं। एग्जांपल देखिए, दे बिलीव डैट जजेस आर टू लीनियंट विद टेररिस्ट सस्पेक्ट्स। वो, उनका मानना है कि जज जो थे वो टेररिस्ट सस्पेक्ट, यानी जो आतंकवादी सस्पेक्ट्स थे जिन पे शक था, तो उनके प्रति जजेस क्या हो गए? लीनियंट हो गए। उससे जितनी मर्सी की उम्मीद थी उससे ज़्यादा वो मर्सीफुल हो गए उन पे, उन्हें पनिशमेंट नहीं दिया सीवियर। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है पेरिलियस। पेरिलियस क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली डेंजरस, यानी बहुत ज़्यादा डेंजरस होना क्या कहलाता है? पेरिलियस। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? हैजार्डियस या रिस्की। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सेफ या सिक्योर। याद करने की ट्रिक देखिए, बच्चों का पानी में स्विम करना पेरिलियस है, यानी बच्चे जब पानी में स्विम करेंगे तो ये उनके लिए क्या क्या है? एक्सट्रीमली डेंजरस चीज़ है, वो उसमें डूब भी सकते हैं। तो इस ट्रिक से आपके वर्ड याद रहेगा कि बच्चों का पानी में स्विम करना क्या है? पेरिलियस है। एग्जाम्पल देखिए, द कंट्री रोड्स आर क्वाइट पेरिलियस। जो कंट्री रोड्स हैं, यानी कि जो गांव के रोड्स हैं, कंट्री रोड्स हैं, वो कैसे हैं? पेरिलियस हैं, यानी कि वो बहुत ही डेंजरस कंडीशन में है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्डील। ऑर्डील क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ वेरी अनप्लीजेंट और पेनफुल और डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। कैसा एक्सपीरियंस होना? अनप्लीजेंटफुल, यानी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होना, पेनफुल एक्सपीरियंस होना, डिफिकल्ट एक्सपीरियंस होना, क्या कहलाता है? ऑर्डील। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ट्रिब्यूलेशन या टॉर्मेंट। याद करने की ट्रिक देखिए, फ्रॉड कंपनी के साथ डील करना ऑर्डील है, यानी जो कंपनी फ्रॉड है उसके साथ अगर हम डील करते हैं तो ये कैसा एक्सपीरियंस होगा हमारे लिए? अनप्लीजेंट और पेनफुल एक्सपीरियंस होगा, डिफिकल्ट एक्सपीरियंस होगा। तो इस ट्रिक से आपके वर्ड याद रहेगी। ओके, एग्जाम्पल देखिए, ही स्पोक फ्रेंकली अबाउट द ऑर्डील। वो ऑर्डील के बारे में, यानी जो उसके साथ जो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस हुआ था उसके बारे में वो बहुत फ्रेंक होके बात उसने की। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फॉल शॉर्ट। फॉल शॉर्ट क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है फेल टू मीट एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड। यानी कोई भी एक्सपेक्टेशन दी, उम्मीद की जाए आपसे, या कोई मार्क सेट किया जाए कि आपको इस यहाँ तक ये काम करना है, उसे पूरा ना कर पाना, फेल टू मीट डैट, इज कॉल्ड फॉल शॉर्ट।
सिनोनिम्स क्या हो जाएगा डिसअपॉइंट या फेल, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा विन या फुलफिल। याद करने की ट्रिक देखिए, सप्लाई खत्म होने के कारण हम कस्टमर्स के लिए फॉल शॉर्ट हो गए, यानी कि सप्लाई हमारा ख़त्म हो गया और जो कस्टमर्स ने हमारे से जो एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी हम उसे फुलफिल नहीं कर पाए। तो इस ट्रिक से आपके वर्ड याद होगी रहेगी कि सप्लाई खत्म होने पे हम कस्टमर्स के लिए फॉल शॉर्ट हो गए, सप्लाई और शॉर्ट इस तरह से रिलेट करके आप याद रखिएगा। एग्जांपल देखिए, दिस ईयर प्रॉफिट विल फॉल शॉर्ट, इस साल जो है प्रॉफिट फॉल शॉर्ट हो जाएगा, यानी जितना हमने एक्सपेक्टेशन लगाया है उस लेवल का नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे और ये ट्रिक्स आपको इन वर्ड्स को याद रखने में मदद कर रही होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।